हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ होंडा कोडमन। आज हम चलाने वाले हैं मारुति स्विफ्ट VXI ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक ऐसा कुछ गियर सिस्टम इसके अंदर मिल जाता है। बाकी आर्यन भाई चला रहे हैं इसको। पहले आप अपना बताओ कि कैसा आपको, अभी 300 किलोमीटर चल गई गाड़ी, आपको कैसा लग रहा है ये वाला गियर सिस्टम चला कर? हैबिट एक्चुअली SUV चलाने की है, बस महिंद्रा TUV 300, ये मेरे को एकदम उसका आगे बच्चा लगती है। उसका स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी है, ये एकदम लाइट है, ये छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी है, तो उस मामले में देखा जाए तो कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल नहीं लगता। स्टीयरिंग लाइट है, छोटी है, कॉम्पैक्ट कार है, तो फैक्ट है वो। तो मतलब मार एकदम से ऑटोमेटिक कार का कैसे मूड बन गया? पहले ऑटोमेटिक का ही था एक्चुअली, पेरेंट्स के लिए लेनी थी और ऊपर से सीखने के पर्पस से लेनी। अच्छा, तो आप तो मैं भाई सबको बता दूं कि भाई की फर्स्ट कार है, अपनी इनकम से पहली कार ली है, ठीक है। कितने की पड़ गई है ऑन रोड? ये पड़ी 760 टोटल। 760 की पड़ गई इन एक्सचेंज ऑफ अस ज़ेन, है ना? एक्सचेंज ऑफ 2009 ज़ेन। ओके, तो मतलब एक साल बच रहा था उसका और वो मतलब अराउंड 50-60,000 दे गई जाते। चलो ठीक है, उसके अंदर CNG लगी हुई थी, उसमें CNG लगी। इसमें CNG लगाने का कोई प्लान है? अभी तो नहीं है, मतलब लगानी है आगे। पापा का, पापा ने चलानी, पापा देखे तो माइलेज तो इसमें बहुत कम शो हो रही है, 11 की तो बहुत ज्यादा कम है। सुबह मैं चला के आया ना, कल रात तक 18-19 थी। तो अंकल मतलब फिर भी 15-16 की इसका मतलब निकाल रहे हैं एटलीस्ट। पापा आराम से निकाल रहे हैं। अच्छा, लाइट फुट चलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब अभी मतलब यू आर हैप्पी और नॉट? सही है ना गाड़ी, मतलब 8 लाख रुपए वर्थ लगते हैं इस चीज के लिए, वर्थ है। तो चलो आज हम इसको एक बार चला कर देखते हैं कैसे कुछ आई है चलने में। हमने वरना चलाई थी अभी कुछ दिन पहले, वीडियो अभी डाल देंगे, उसके बाद ही आएगी वीडियो। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी, मुझे नहीं लगता कि उसको ये मैच कर पाएगी, बट स्टिल देखते हैं। क्योंकि वो मैंने बिल्कुल हार्ड ड्राइव करा था, उसमें मेरे को बिल्कुल नहीं पता लगा था कि कैसा कुछ ये परफॉर्म कर रही है। पर अभी जो इसका 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन है, वो करीब 83-84 BHP का पावर निकालता है और 113 Nm का टॉर्क है इसका। तो अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। वो तो काफ़ी बड़ा इंजन था, 1.5 लीटर का था, बट स्टिल अभी लैगिनेस चेक करना है इसके अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आता है इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें भी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आता है, मतलब ज़ेन से ज़्यादा, ज़ेन से कम है इसकी। ज़ेन इज 180। अच्छा, दिस इज 165 ऐसा कुछ है। अच्छा, तो मतलब ज़ेन से डेफिनेटली नीचे लगती है। तो मतलब 15 mm का डिफरेंस फील होता है? हाँ, मेरे को होता है। पापा कहते हैं मेरे लिए चलेगी, मैं धीरे धीरे निकाल लूंगा। अच्छा, लग भी गई है नीचे? किससे लगी है, तेरे से लगी है? अच्छा, आंटी से लगे। दादा आंटी सीख रही है ना घर पे? हाँ, तो ठीक है, वो तो फिर हल्की फुल्की लगेगी यार। तो बड़ी गाड़ी मतलब चलो ठीक है, अब जो भी हो यार, नई गाड़ी थोड़ी सी लगती है, थोड़ा सा दुखता है। चलो इंश्योरेंस है, सीख लेंगी तो 5-6 महीने में। तो चलो इसको एक बार चला कर देखते हैं एक बार कैसा कुछ है इसका। वैसे तो इंजन तो स्मूथ है, बाकी मेरे को गियर सिस्टम ही चेक करना है एक बार इसका। बाकी इसमें LXI में तो आता नहीं ऑटोमेटिक, ZXI चेक नहीं करी थी, ज्यादा महंगी पड़ रही थी क्या? दैट वाज 9.5। चलो ऊपर देखो, ठीक है। अब जब चेंज करना है तो नीचे बस होगा चेंज, यहाँ पे नहीं शो करेगा, मैं करेगा ना। 2 आ रहा होगा अभी, 1M आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वो एक्चुअली स्लो अपने आप हो जाती है यार। ये सीट बेल्ट कहाँ फंसी हुई है? लोअर गियर में अपना आ जाती है। अच्छा। हायर गियर में आपको डालनी पड़ती है। ओके, अच्छा, मतलब मैनुअल वाली फील चाहिए मेरे को। हाँ, पापा लोग के लिए तो खैर ठीक है। ओके, तो इसमें बिल्कुल भी लाग महसूस नहीं होता? मैनुअल में नहीं होता, बट शिफ्ट करके चलाए तो। हाँ, ड्राइव में कर लोगे, लाइक ऑटोमेटिक में आ जाओगे तो होएगा, तो डेफिनेटली होएगा। ये थर्ड पे भी हमें शिफ्ट नहीं करने दे रहा, मतलब जो अगर हम प्रॉपर उस पे नहीं है ना, स्पीड पे नहीं है, अभी ये काम कर लेगा अपने आप। हाँ हाँ, अपने आप हो जाएगा, वो हो गया, देखो 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस तुम तो कोई वो नहीं है, मैं 200 mm से आ रहा हूँ मैं। हाँ भाई, वो तो लेकिन यार डर लगता है, और फिर गड्ढे में सोचना पड़ता है ना, उसमें सोचना नहीं पड़ता। सिर्फ ड्राइवर साइड पे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ड्राइव मोड पे हमने डाल दिया इसको, इसका लैग चेक करते हैं क्या है।
हो रहा है ना लैग, चेंज कर रही है। अरे तगड़ा फील हो रहा है यार, बहुत ज्यादा फील हो रहा है। पापा एकदम पापा चला देंगे लाइट फोट, उनको फील नहीं होता ना, वो दूसरे को फील होने देते। अरे हम फोर्थ ईयर पर है यार, इसमें बड़ा डर लगता है भाई, ये कंट्रोल हो ना। अभी कूदने लग गए ना तो ऐसा लगा कंट्रोल नहीं होगी। अभी आते टाइम स्पीड करना मैनुअल पे, ओके, उसमें फील हो जाएगा कि कोई लैग नहीं है। लेकिन भक्ति मस्त है, भक्ति अच्छी है यार, पूरा पूरा फील हो रहा है इसके अंदर। अच्छा ड्राइव मोड पे यहाँ पे 3D देखा ना, ड्राइव मोड पे यहाँ पर गियर के साथ डी लिखा हुआ आएगा और वैसे एम लिखा आएगा, अगर हम एम पे डाल देंगे तो, है ना। ठीक है 0.5 पे कर लिया इसको, एक बार कर दिया। ओके ऐसा है इसमें, वैसे बाकी गाड़ी में तो सीधा सीधा हो जाता है। नहीं पार्किंग सेंसर में मिल जाते हैं ना चार, अच्छे बीप बीप बोलते हैं। तो मैनुअल में हम जब तक चेंज नहीं करेंगे गियर तब तक चेंज नहीं होंगे ना। हाँ अप शिफ्ट नहीं होगा, डाउन शिफ्ट हो जाएगा। डाउन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यार यहाँ पे लेट चेंज हो रहे हैं या इंडिकेट यहाँ पे लेट कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिले होगा, मतलब अदरवाइज मैकेनिकली लैग फील नहीं होता। हो रहा है अभी तो लैग फील नहीं हो रहा, मैं देखना चाहता हूँ। आपने चलाने के लिए ऐसे बिल्कुल सही है। सही है। बाकी अभी नई नई गाड़ी है, अभी हम इसका कुछ स्पीड टेस्ट वगैरह नहीं करने वाले, 0-60, 0-20 कुछ नहीं करेंगे अभी, माइलेज वाले इसकी थोड़ी सी ठीक हो जाए। वैसे सर्विस कॉस्ट कितने तक की बताई है कंपनी ने? पहली सर्विस तो 1000 रुपए की बताई है, और दूसरी सर्विस की जिसमें वॉशिंग होगी सिर्फ, वो भी नहीं वॉशिंग नहीं, उसमें कुछ ऑयल का सीन है। अच्छा वो तो 10,000 कुछ चेंज। हाँ पहली जो मेजर सर्विस होगी वो 10,000 रुपए होगी। अच्छा ड्राइव मोड, ड्राइव वाला बड़ा लैग है इसका, मतलब टाटा का तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन मैंने देखा टाटा में ज्यादा लैग है। पंच में इससे भी ज्यादा लैग है, ये काफी लंबा टाइम ले रही है, मतलब 2-2.5 सेकंड का टाइम ले रही है चेंज करने में ये। बाकी वही है कि मतलब अगर कंफर्ट की बात करें तो फिर इतना लोग नहीं देखते, अब लाइट फुट अंकल चलाते हैं तो उनको नहीं फील होता होगा। पापा टीवी पे 20 की निकालते हैं माइलेज, और क्या चाहिए आपको? तू कितने की निकालता है? डीजल की है ना वो? 14 की। वो 20 की निकालते हैं अंकल। आप मतलब दो गाड़ी ऑन कर रहे हैं, टीवी एक स्विफ्ट है। मारुति में ही जाना था, पहले से सोचा हुआ था मारुति में जाएंगे। हाँ पापा माइलेज सेंट्रिक है काफी। अब इससे भी चलाओगे 13-14 साल? ये पूरी 15 साल खींचेगी। यार जेन का कितने की ली होगी उस टाइम? 3-3.5 लाख की ली होगी। 380। हाँ इतने की ली होगी। आज आज ये स्विफ्ट आ रही है 8 लाख रुपए की। इतना डिफरेंस हो गया है भाई। सिटिंग तुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़े पैर ज्यादा भार, सीट थोड़े से और लंबे होने चाहिए थे। यहाँ भी अंडर थाई सपोर्ट कम है, अंडर थाई सपोर्ट कम है इसकी, पीछे भी कम है काफी ज्यादा, पीछे भी कम है। अरे चार लोगों के लिए ये है आइडियल अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये बम्प है ना नीचे। हाँ। ये फिर छोटे बच्चों को भी बिठा सकते हो यहाँ पर। बाकी वैसे तो कंपैटिबल है, सीएनजी दुनिया लगा के घूम रहा है, इसका मतलब ये है नहीं न्यूट्रल में। न्यूट्रल आप अपना रेड लाइट पे कर सकते हो, पी पे आपका हैंड ब्रेक भी लग जाता है साथ के साथ, जो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक होता है वो लग जाता है। तो ये कुछ ऐसी गाड़ी की चाबी मिल जाती है, तो गाड़ी की चाबी अच्छा ZX, अच्छा तुम्हें तो सिर्फ ऑटोमेटिक चाहिए था, तुम्हें LXi में मिलता तुम वो भी ले लेते है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे गाड़ी ठीक लगी, लेकिन यार वही है कि तुम्हें ऑटोमेटिक चाहिए थी, लेकिन वैसे अगर 8 लाख रुपये में स्विफ्ट बोलूँ तो मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि 9-9.5 लाख 9,15,000-20,000 की ब्रेजा आ जाएगी, ब्रेजा उठा लो, पर उसमें फिर ऑटोमेटिक नहीं आएगी, वही दिक्कत है।
और बेस मॉडल है हाँ, तो फिर जिसकी जैसी नीड है उसके हिसाब से, जिसकी जैसे इसकी दो नीड है उसके हिसाब से इसको फिट बैठ कर दी तो ठीक है ये गाड़ी, फिर ठीक है कॉम्पैक्ट है अच्छी है, बस बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा सा इशू है, बाकी आराम से चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।